हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी दैट इज इंडियास लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण मिश्रा और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का टॉपिक। एंड बिफोर एंटरिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू प्रोवाइड द डिस्क्लेमर। हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हम एब्सोल्युटली न्यूट्रल हैं। हमारा किसी के साथ ना तो कोई दोस्ती है, ना ही किसी के साथ कोई दुश्मनी है। नो नीदर एनी फ्रेंडशिप विद एनी पॉलिटिकल पर्सनालिटी और अ पार्टी, नीदर एनी काइंड ऑफ एन एनिमिटी। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो आपको ऐसा फील करा सकता है कि सर आप तो शायद किसी का फेवर या किसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द फर्स्ट थिंग, द व्यूज आर पर्सनल, एंड सेकेंड थिंग, दे आर एब्सोल्युटली न्यूट्रल। ओके, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, पॉलिटिकल पार्टी, एनीथिंग, राइट। चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? इग्नोर्ड एट द बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स पे कौन इग्नोर हो रहा है? बैलेट बॉक्स पे कोई इग्नोर नहीं होता, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको हमने आज इन इलेक्शंस में नहीं, हर इलेक्शंस में इग्नोर किया है। एवरी ब्लडी इलेक्शंस दे हैव बीन इग्नोर्ड, एंड इट्स नोन एज द क्लाइमेट चेंज। ओके, सो इफ यू कैन जस्ट हैव योर अटेंशन ऑन द टॉपिक हेडलाइन, इग्नोर्ड एट द बैलेट बॉक्स, द एब्सेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। कब ऐसा हुआ आपने कि किसी भी एक पॉलिटिशियन की स्पीच में सुना हो कि वो कार्बन एमिशन को कम करेंगे, पॉल्यूशन को कम करेंगे? कब ऐसा हुआ है कि किसी भी मिनिस्टर या किसी भी एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने वाले या किसी भी एक गवर्नमेंट पोस्ट पर रहने वाले शख्स ने आपसे बताया हो, आपसे आपके घर पे आकर, आपके मोहल्ले में आकर, रैली देते टाइम या स्पीच देते टाइम आपसे ये कमिट किया हो कि हम जो है साफ सफाई की बात करेंगे, देश दुनिया की साफ सफाई की बात करेंगे? जी हाँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका पूरा ध्यान रखा है। व्हेन इट कम्स टू द स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलीनेस और नेटनेस को लेकर मोदी जी ने पूरी तरीके से काम किया है। व्हेन इट कम्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बायो टॉयलेट्स, व्हेन इट कम्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टॉयलेट्स इन द रूरल एंड द रिमोट एरियाज ऑफ द नेशन, declaring the nation, declaring the whole states, declaring the whole cities and the villages, towns of the country as ODF, that is open defecation free. But even after that, there remains a very big concern. What about climate change? Hum climate change ke liye kya action le rahe hain? So the point is, jise bolte hai na, ki na to aapko padi hai, na to mujhe padi hai. एज अ सिटीजन सोचते हैं, चलिए सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के ऊपर की उंगली क्यों उठाना, ताली जनाब एक हाथ से तो बचती नहीं है, ठीक है। एज अ मिनिस्टर मैंने कभी नहीं सोचा, एज अ पॉलिटिशियन मैंने कभी नहीं सोचा, बट एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सिटीजन, क्या मैंने कभी सोचा है अपने क्लाइमेट चेंज के बारे में? हम ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अपने सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट देखते रहते हैं कि ये वाली नदी इतनी गंदी हो गई, ये वाली नदी सूख गई, यहां इतना पोल्यूशन हो गया, लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं, पानी नहीं बरस रहा, खेती खराब हो रही है, वगैरह वगैरह। क्या कभी इसका हमें कंसर्न होता है कि हम भी इसका शिकार हो सकते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाने वाला एक बहुत खूबसूरत सिटी जिसका नाम है बेंगलुरु, द12 बैंगलोर, आज बैंगलोर जीरो डे की कगार पर आ चुका है। जीरो डे मतलब जब शहर में पानी ही नहीं बचेगा। बेंगलुरु में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए हैं, दे आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे आर नाउ डिमांडिंग द राइट ऑफ वाटर दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, इतना वहां पर जो है जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो नीचे जा चुका है। इलीगल कंस्ट्रक्शन इतने हुए हैं बेंगलुरु सिटी के अंदर कि लेक का पानी सुखा कर वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, तो ग्राउंड वाटर तो जनाब जीरो ही होगा ना। ओके, एंड बेंगलुरु इज नॉट जस्ट वन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस, ये तो रीसेंट एग्जाम्पल है। लास्ट ईयर हमने देखा कि किस तरीके से जोशी मठ, उत्तराखंड के अंदर मौजूद जोशी मठ, वहां पर हमने देखा कि धरती फट रही है। इट्स नॉट एन अर्थक्वेक, ओके, इट्स अ क्रैक दैट इज गोइंग ऑन। ओके, जोशी मठ के घरों, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स के अंदर हमने देखा है कि कैसे क्रैक आ रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कभी फ्लड्स, कभी फ्लैश फ्लड्स, कभी ड्राउट। तो ये एवरी नाउ एंड देन व्हाट वी आर वाचिंग, एंड ऑनेस्टली वी आर इवन नॉट कंसर्न्ड, क्योंकि अब तक ना हम उसका शिकार नहीं हुए। अब तक ना
इस महामारी का, इस क्लाइमेट चेंज का हमें कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, इसलिए हम भी चिल हैं, खाने को मिल जा रहा है, हमारे घर में पानी आ रहा है, ठीक है, जो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें पोल्यूशन बहुत है, बट हम एडमिट कर चुके हैं इस पोल्यूशन को ना। सो वी आर राइट नाउ, आई एम राइट नाउ इन दिल्ली, और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी पुअर तो कभी बैडली पुअर, कभी सिवियरली पुअर, तो बहुत अच्छा भी हमारा पोल्यूशन है ना अगर दिल्ली का हमारा, तो वो पुअर क्वालिटी पे होता है, और पुअर क्वालिटी पे हम कहते हैं यार आज हवा साफ है, क्योंकि हमने सिवियरली पुअर भी देखा है, हमने सिवियरली थ्रेटनिंग और डेंजरस भी देखा है, हमने लिटरली ना काले बादल अपने शहर पर, अपनी छतों के ऊपर हमने सच में काले बादल देखे हैं। दैट्स नॉट अ जोक गाइस, दैट्स नॉट अ सरकैज़म, दैट्स द रियलिटी, कि देखा है हमने काले बादल हमारी दिल्ली के ऊपर, और भी एक दो दिन के लिए नहीं, हफ्तों हफ्तों के लिए पड़े रहते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर ना लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, इग्नोर्ड एट द बैलेट बॉक्स, किसी को नहीं पड़ी, नीदर द पॉलिटिशियंस, नीदर यू, नीदर मी, नीदर ऑफ अस, राइट। तो ये डेटा तो आना ही था। अब इसके अलावा अगर आगे बढ़े, सो द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, जिन्होंने काफी अप्स एंड डाउन्स दिखाया हमें, है ना, लेकिन आज इस इलेक्शंस की अगर हम बात करें ना, सो आई वाज गोइंग थ्रू अ सोशल मीडिया मीम एंड इट प्रोवाइडेड अ वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेशन दैट इस इलेक्शन से सब खुश हैं, बीजेपी भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है, टीडीपी भी खुश है, है ना, तृणमूल कांग्रेस भी खुश है, इलेक्शन कमीशन भी खुश है, उनके ऊपर भी सवाल नहीं आएगा कि जनाब आपने ईवीएम में घोटाले किए हैं। Everyone is happy with this elections. Almost everyone, they are right, है ना? लेकिन कोई एक है जो सदियों से परेशान था, परेशान है, और ये परेशान रहेगा अगर if we do not take any cognizant action today, from today, okay? So public awareness को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, okay? We can see here, climate change critical importance is overlooked in the Indian political discourse. Due to what? Due to the economic priorities. हमारी economic priorities कुछ और है ना, हमें दो वक्त का खाना चाहिए, obviously सबको चाहिए, लेकिन उस पर एक मुद्दा और आता है कि भाई खाने के साथ साथ आप एक चीज का और ध्यान रखें, और वो ये है कि खाने की उपज, that is the production of the crops, that can also get destabilized or disbalanced because of the changing climate change, and it is getting affected, badly affected, right? So, ये तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक वर्ड आया यहाँ पे, पब्लिक अवेयरनेस, वी आर नॉट इवन हैविंग एनी काइंड ऑफ कंसर्न, ओके। सो इफ वी गो फर्दर, ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट फॉर अस, अ बैरियर टू क्लाइमेट कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम हमारी कहाँ आ रही है, क्लाइमेट कॉन्शियसनेस हमारे लिए एक कंसर्न क्यों नहीं है। सो इफ वी गो अहेड विथ द सीरीज ऑफ द इश्यूज, ओके, व्हाट्स द एब्सोल्यूट प्रॉब्लम, राइट। So many developing countries, India also faces many challenges, and they are, yes, poverty alleviation, hum idhar bhi pareshan hai, infrastructure development, job creation, okay, that is unemployment rate hamara achha khasa hai, GDP growth koi bahut aisi nahi hai, though we are at near about hovering to 8%, but ye 8% GDP growth hamari 142-143 billion population ke liye, 142-143 billion population ke liye achhi nahi hai, matlab up to the mark hai, but not good enough, okay, and with regard to your context to the resources we have got in our country, this 8% growth rate can also be 11-12% and more per year, okay, more than 12% per year it can be as the resources what we have got in India, okay. Then further, we have got the issues with inflation, we have got the long term environmental concerns as well, but no one is questioning this one. सबको इसके ऊपर के मुद्दे दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है यहां पर एनवायरमेंटल कंसर्न की, तो नो वन गिव्स अ डैम, राइट। सो व्हाट यू कैन सी, द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन प्रायोरिटाइज पॉलिसीज दैट प्रॉमिस इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड टेंजिबल रिजल्ट्स। टेंजिबल मतलब जिसे छू सके, देख सके, जो समझ में आए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो यह नहीं होता है कि हम जो है कार्बन एमिशन इतना कम करवाएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल की बात है, जिनेवा कन्वेंशन की बात है, COP22, COP23, COP15, हम इन सबको जो है इन्वेंट जो है इन सबको इंप्लीमेंट कराएंगे, रामसर कन्वेंशन की बात कोई नहीं करता, शायद पता भी नहीं होगा मैनिफेस्टो बनाने वालों को, और अगर पता भी होगा तो पता है कि ये लिख भी देंगे तो सुनने वाला क्या सुनेगा, समझने वाला क्या समझेगा, वो कहेगा अरे भैया ये क्या होता है, ये बताओ सब्सिडी दे रहे हो कि नहीं, ये बताओ
हमें गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा कि नहीं, एक जो है पैसा मिल जाएगा घर का मकान जो है घर मकान बनाने के लिए या नहीं, नौकरी मिल जाएगी या नहीं, जब ये पृथ्वी ही नहीं रहेगी, जब ये धरती ही नहीं रहेगी, तो सब्सिडी नौकरी घर मकान का क्या करेंगे हम? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सवाल ही नहीं है ये जहन में लोगों के। वी नीड टू एक्ट गाइज, एंड यू पीपल, यस द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, भावी आने वाले फ्यूचर के हमारे आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस ऑफिसर्स, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम देते हैं, है ना। इलेक्शन हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं द राइट्स ऑफ पर्संस, राइट्स ऑफ यूथ, राइट्स ऑफ द पीपल विथ डिसेबिलिटीज, राइट्स ऑफ पीपल, राइट्स ऑफ द ओल्ड एज पीपल, ओके, फार्मर्स एंड सो ऑन। लेकिन हम कभी राइट ऑफ दिस अर्थ, प्लैनेट अर्थ, मदर अर्थ की बात नहीं करते। हाँ, इसमें एक कंसर्न जरूर था व्हेन यू टॉक अबाउट द राइट ऑफ फार्मर्स, कंसर्न विथ एग्रीकल्चर, लेकिन वो भी बस उतने पर आकर रुक जाता है। सब्सिडी, एमएसपी, मैं मेरे किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा ये बात, अगर आप में से कोई भी है जो किसान है या किसान घर का है, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हाँ, एमएसपी पर आपका डिमांड ठीक है, चलो सही है, है ना। फार्म लॉस पर जो है आपके डिमांड ठीक है, सही है, मान लिया। लेकिन अब आपका एक किसान होने के नाते, एक खेती किसानी करने वाले सदस्य होने के नाते, आपको यह भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उसी सरकार से जिससे आप एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, उसी सरकार से जिसके खिलाफ आप जो है फार्म लॉस के खिलाफ लड़ रहे थे, है ना, उसी सरकार से आप ये भी सवाल करिए कि भाई ये अल नीनो लानीना का इफेक्ट क्यों आ रहा है, कभी बारिश इतनी ज्यादा क्यों, कभी बारिश इतनी कम क्यों, कभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, ये अनकन्वेंशनल रेनफॉल क्यों है, ये बिन मौसम बरसात क्यों है जिसकी वजह से मेरी फसल खराब हो जा रही है। बताओ मुझे कि तुम्हें क्यों कैनाल बनाने पड़ जा रहे हैं और उन कैनाल्स में भी डालने के लिए तुम्हारे पास पानी क्यों नहीं है, है ना। मंडी में मेरा अनाज तो तब बिकेगा ना, या वेयर हाउस या स्टोर हाउस में मेरा अनाज तो तब जाकर स्टोर होगा ना जब मैं अनाज उगा पाऊंगा, और अनाज उगेगा कैसे अगर बारिश ही नहीं हुई तो, पानी ही नहीं हुआ तो, मिट्टी ही नहीं हुई तो, है ना, ये धरती ही नहीं रही तो मैं मेरे किसान भाइयों से तहे दिल से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगली बार जब भी आप सवाल करें तो उसमें क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण का ये जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, इसको भी जरूर अपने जो है संज्ञान में रखें, इसको भी अपने नोटिस में रखें। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट, furthermore the political landscape in India is heavily influenced by industrial interests and economic growth agendas, okay, as you can see here, industrial interest and economic growth agendas, with a rapidly expanding sector and ambitious development goals, there is often a reluctance to implement policies that may potentially पोटेंशियली डू वॉट हिंडर द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, कि सबको इंडस्ट्री लगानी है, सबको बिजनेस करना है। हैवी इंडस्ट्रीज है हमारे पास, टोबैको इंडस्ट्रीज है हमारे पास, ओके, लाइट वेट इंडस्ट्रीज है हमारे पास, वी हैव गॉट द लिकर इंडस्ट्री, वी हैव गॉट द टेलीविजन इंडस्ट्री, वी हैव गॉट एन नंबर ऑफ देम, एंड ऑल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज देयर डेवलपमेंट विल बी हैम्पर्ड इफ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज। तो इसका मतलब क्या है, बात करना ही बंद कर दें? नहीं, दोनों को ना बैलेंस करके चलना है, बोलते हैं ना संतुलन बरकरार रखना। मुझे अपनी इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है। ऑब्वियसली वी आर डेवलपिंग, 143 बिलियन पॉपुलेशन ग्लोबली, वी आर पता नहीं कितना बिलियन पॉपुलेशन, है ना। हमें सबका पेट पालना है, हमें सबकी खुशियों का ध्यान रखना है, हमें सबको जो है आगे बढ़ाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि जनाब इंडस्ट्रीज बंद कर दीजिए। नहीं, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे कहाँ जाएंगे, फिर तो हम प्राचीन काल में पीछे जाते जाएंगे, है ना। खैर वो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन फिर भी ओके। लेकिन इंडस्ट्रीज भी चलाना है ऑनेस्टली, लेकिन उसी तरफ मुझे भी ध्यान रखना है कि मुझे अपने साथ इंडस्ट्रीज के साथ मुझे अपना जो ग्रीनरी है वो भी बरकरार रखना है। क्योंकि इसके लिए ना हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और ये अपने आप में ना दिल दहला देने वाला डेटा है। ओके, इफ यू सी दिस थिंग हियर, ओके,
ये एयर पॉल्यूशन, अभी हम सिर्फ वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉइजनिंग इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो पांच छह पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये सिर्फ एयर पॉल्यूशन के पॉइंट्स हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर, इनविजिबल पार्टिकल्स पेनेट्रेट सेल्स एंड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, ओके, लाइक लंग्स, हार्ट, ब्लड एंड ब्रेन, एंड दिस लीड्स टू डिजीजेस लाइक अस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, कैंसर, डिमेंशिया एंड अल्टीमेटली टू डेथ। एरोसोल्स हम इनहेल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसीज, जीएफसीज, ग्रीन हाउस गैस बन गया हमारा पूरा ये धरती, और ये सभी चीजें हमारे अंदर जा रही है। ओके, सो व्हाट इज द डेटा हियर, 8.43 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ्स एनुअली बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, प्रीमैच्योर, ठीक। 9 out of 10 दैट डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू आउटडोर एयर पोल्यूशन आर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, न 10 में से 9 डेथ्स, डिवास्टेटिंग। 5,70,000 deaths of children under 5 per year because of air pollution. 5,70,000 बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, इनकी मौत हो जा रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, लंग्स काम करना बंद कर दे रहा है। ओके, एंड देन shortens ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 2.2 years। हमारी जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2.2 ईयर्स से घटती जा रही है। तो एक तो टाइम आएगा, आज तुम्हारी कम से कम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हम 65-70 ईयर्स हम लेकर चलते हैं, या 75 ईयर्स तक भी चल रहे हैं। ओके, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी चलने को, तो लोग 100 साल तक भी चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक एवरेज लाइफ की, जो 2.2 ईयर्स पर ईयर घटता जा रहा है। तो ऐसे तो आते आते ये 15-20 साल 25 साल पर आगे रुक जाएंगे हम, पैदा हुए कब चले भी गए पता भी नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाट इज नीडेड गाइस। ओके, सो आई होप, मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस एक जानकारी दे रहा था कि कितना जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे क्लाइमेट चेंज को बरकरार, मतलब चेंज ना होने देना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे हटाना, ये जो हमारा ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है, मतलब जिसे बोलते ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यस नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओजोन लेयर जो दिखती भी नहीं उसमें छेद कर डाला हमने, ऐसा पोल्यूशन फैलाया है ना। सो वी नीड टू एक्ट इमीडिएटली एंड परपेचुअली अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ल्ड वॉर तो दूर की बात है, हमें नेचर खुद ही कहेगी कि बस अब बहुत हुआ, हम खुद ही दुनिया खत्म कर देते हैं। ओके गाइस, सो आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल। एंड सेशन एंड करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी से गुजारिश है कि देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है वो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, मधुकर कोटवे सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, और ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस पोर्टल पे। और अनअकैडमी प्लस पोर्टल जो बैचेस हैं हमारे, ओके, आप देख पा रहे हैं आरंभ, जो कि 12 जून से आरंभ होने वाला है, जो कि इंग्लिश में होगा, ओके, जिसका कंटेंट इंग्लिश में ही मिलेगा आपको, लेकिन क्लासेस जो है वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स चलेंगी, ओके, बायलिंगुअल काइंड ऑफ। उसके अलावा ट्रायंफ बैच जो कि कल यानी कि 8 जून से हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, जो कि एब्सोल्युटली इंग्लिश में है। सो गाइस, क्विकली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट लेट इट गो, बिकॉज यू नो व्हाट अनअकैडमी हैज डन, अनअकैडमी हैज प्रोवाइडेड वंस अगेन सम वंडरफुल रिजल्ट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, रैंक 1, रैंक 6, 3 एंड 9, दे आर ऑल फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। और यहां पर ना बबल और तैयार होगा, जहां पर क्वेश्चन मार्क बना होगा, वहां पर मुझे आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी रैंक चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होगा आपको बखूबी पता है, ये रहे वो नाम, ओके, फ्रॉम प्रतीक नायक सर टू आरती चौधरी मैम टू मधुकर कोटवे सर, सिद्धार्थ अरोड़ा सर, सुदर्शन गुर्जर सर एंड मृणाल पटेल सर, ओके, दे आर द बेस्ट वेपन, यू आर इन द मिड ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर, एंड टू विन द ग्रेटेस्ट वॉर यू नीड द ग्रेटेस्ट वेपन, द बेस्ट वेपन, एंड हियर दे आर। यूपीएससी सीएससी जिसे बोलते हैं ना, अपने आप में ये एक तपस्या है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन गुरुओं की जरूरत होती है, जो यहां मौजूद हैं आपके साथ। ओके एवरीवन, सो विद दिस आई विल बिड अड्यू फॉर टुडे, ओके, आई विल सी यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। गाइस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू शेयर इट, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव आई वॉन्ट दोज व्यूज एंड लाइक्स ऑन माई वीडियो, नो, ओके, बट यस, द मैसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट नीड्स टू बी प्रमोटेड। Okay everyone, thank you so much, bye bye, take care, see you soon.